भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने अपने पद से इस्तीफा क्या दिया। भारत से लेकर अमेरिका तक एक भूचाल सा आ गया। सिक्का के इस्तीफे के बाद कंपनी के शेयर काफी तेजी से गिरे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही इंफोसिस के शेयरों में करीब 11% की गिरावट देखने को मिली। इंफोसिस के मौजूदा बोर्ड और फाउंडर्स में यह विवाद ऐसे वक्त में देखने को मिल रहा है जब देश का पूरा सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर मंदी के संकेत दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में इमिग्रेशन नीति में संभावित बदलाव के खतरे देश की आईटी कंपनियों के सामने हैं। अब यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की नीति से भारतीय कंपनियां अमेरिका में पर्याप्त वर्क्स नहीं भेज पाती तो वहां पर भारतीय कंपनियों के लिए सर्विस देना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। यूरोप में हुए हमले से सेंसेक्स और निफ्टी पर पहले से ही काफी दबाव था और अब विशाल सिक्का के इस्तीफे से बाजार बुरी तरह से लड़खड़ा गया है। इंफोसिस में भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी और निफ्टी में भी करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई है। दिन भर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स का ऊपरी स्तर 10,444.77 रहा, जो इंफोसिस में हुई बिकवाली के कारण 9,926.54 के निचले स्तर तक चला गया।